हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैं पहुंचा हूं आज 43 सेक्टर कोर्ट के अंदर, क्योंकि मेरा हो गया था चालान रात के अराउंड 12 बजे ट्रिब्यून चौक पे। दो लाइटें बैक टू बैक लगी हुई हैं 100-200 मीटर के डिस्टेंस में। तो मैंने जैसे सामने देखा तो जो अगली लाइट थी वो ग्रीन थी और उसके पहले वाली जो लाइट थी वो रेड थी। तो मेरी जो नज़र पड़ी, मेरी पड़ी सीधी जाके उसकी ग्रीन वाली पे। मुझे लगा ये ग्रीन है, रेड का मेरे को लगा शायद किसी और के लिए है। मैं सीधा निकल गया और बाद में ये पता लगा कि मेरे से लाइट हो गई है जंप। इंटेंशनली नहीं की, मतलब मुझसे हो गई। तो उसके बाद मुझे मैसेज आ गया कि ठीक है जी, आपका चालान हो गया। और लाइट जंप में क्या होता है कि आपको अमाउंट वहाँ पे शो नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको स्टेटस हमेशा पेंडिंग ही लिखा आता है। और वहाँ पे लिखा होता है कि आपको क्या करना है, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और वहाँ ही जाकर आपका जो चालान है वो हो सकता है, उस पर ही वहीं जाके आपको पता लगेगा कि क्या अमाउंट होगी। तो इसका 60 डेज का टाइम होता है, 60 डेज के बीच में आप आके इसको कभी भी भुगत सकते हो। तो आज मैं पहुंचा हूं यहां पर, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम चालान हमारा हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें कैसे करें। तो हम मतलब जो एडवोकेट्स होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। मैं आज आपको पूरा बताता हूं, तो जाके आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपको क्या करना है और डायरेक्टली जाके आप मिनिमम अमाउंट से अपना चालान भुगत सकते हैं। तो पहला तो यही था कि आपने 43 जो कोर्ट है यहाँ पे पहुँचना है। अगर आपका चंडीगढ़ में चालान हो जाता है तो सबसे पहली प्रोसेस तो यही है कि आपको यहाँ पहुँचना है। आगे फर्दर क्या क्या होता है, क्योंकि गाइस क्या हुआ था कि मैं कल यहाँ पर आया था, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, कल मैं आया था, मुझे नहीं पता था यहाँ पर टाइमिंग क्या है। तो मैं यहाँ पर पहुँच गया कोई 12:30 के आसपास। जैसे ही मैं गेट पर पहुँचा, मुझे एक एडवोकेट ने रोका। उसने मुझे बोला हाँ जी चालान भुगतना है। मैंने कहा हाँ जी चालान भुगतना है। तो कहते जी कर देंगे, कोई बात नहीं। मैंने उसको दिखाया रेड लाइट जंप का चालान है। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है जी 3200 रुपये लगेगा, भुगत लेंगे। मैंने कहा आप रहने दो, मैं खुद भुगत लूँगा, तो मुझे बताओ जाना कहाँ पे है। तो कहते जी अब तो विंडो बंद हो गई है, तो अब नहीं हो पाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला गया आगे, ठीक है। उसके बाद कहता चलो सर हम आपका 2500 में कर देंगे, तो आप करवा लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं खुद करूंगा, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें भाई, जब सिंपल प्रोसेस है, कोई कत्ल थोड़ी किया है, चलानी हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं गया अंदर, तो अंदर जाके वहां पर एक विंडो बनी हुई है जिसका की टाइमिंग है सुबह 10 से 11 ही ओपन होती है। तो अगर आपका चालान होता है तो आपने सुबह 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना है, पहली बात। इससे अगर आप लेट आएंगे, 11 बजे के बाद आएंगे, तो आपका आने को कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट, पेट्रोल वेस्ट, ठीक है। तो 11 से 12 विंडो ओपन होती है, तो वहां पर जाकर आपने अपना प्रिंटआउट लेना है। तो वही सारे मैं काम करने लगा हूं। अब मैं यहां से उतरता हूं, तो उसके बाद मैं कराऊंगा प्रिंटआउट और जो विंडो है वहां पर मुझे करवाना है जमा। तो विंडो वाली जगह पे भी कल मुझे एक वकील मिला था, उसने मुझे बोला था मैं 2000 में करवा दूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीजें होती हैं यहाँ पर। तो आपने इन चीज़ों के झांसे में नहीं आना है, आपने खुद कराना है, सिंपल प्रोसेस है। मेरे 2 चक्कर लग गए क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया था। तो आपका 1 ही चक्कर में काम होगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे। तो चलते हैं फिर कोर्ट के अंदर। गाइस ये है मेरे सामने कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। तो चलेंगे हम अब इसके अंदर। तो गाइस ये मैंने प्रिंट आउट ले लिया है। तो जब भी आपका चालान होता है यहाँ पहुँच के, आपने सबसे पहले अपने चालान का प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद पहुंचना है आपने चालान विंडो में, जो कि ओपन होती है 9:30 से लेके 11 AM तक। तो इसी टाइम के बीच में ही आपकी स्लिप जमा होगी। तो गाइज ये एरिया है जहां पर चालान स्लिप जो है आपकी जमा होती है। तो इसके सामने यहां पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि चालान कहां पर जमा होते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो गाइज इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहां पर आपने 9:30 से 11 के बीच पहुँचना है, उसके बाद आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही आप अपनी चालान स्लिप जमा करवा देंगे तो आपको ये बोला जाएगा कि आपने अब 2:30 बजे आना है और अपना कोर्ट नंबर आपने लिस्ट में देखना है। तो जैसे ही आप 2:30 बजे आते हैं, आपको एक लिस्ट लगी हुई मिलेगी। इस लिस्ट में आपने अपने गाड़ी नंबर के अगेंस्ट कोर्ट नंबर देखना है। तो जो भी कोर्ट नंबर आपकी गाड़ी के अगेंस्ट लिखा होगा उस कोर्ट में आपने जाना है। तो गाइज मेरे चालान के अगेंस्ट जो मुझे कोर्ट नंबर मिला था वो था 26। तो ये एक्चुअली एक कमरा नंबर होता है, तो मैं 26 कमरा नंबर में यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो ये सभी लोगों का चालान यहीं पर भुगता जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक करके ये नाम बोलते हैं और एक एक करके सभी अपना चालान भुगतते हैं।
तो गाइस सारा प्रोसेस मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका चंडीगढ़ में ऑनलाइन चलान हो जाता है, कैमरे के थ्रू चलान हो जाता है, और वहाँ पर आपको मैसेज आता है, एक लिंक आता है, और वहाँ पर आपको चलान में अमाउंट नहीं शो हो रही है, अमाउंट में पेंडिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको चलान कोर्ट में जाके भुगतना पड़ेगा। तो पहली बात, आपको कोर्ट में आना है, और कोर्ट में आपको 9:30 से 11 के बीच में पहुँचना है चलान जमा करवाने के लिए। तो 9:30 से 11 के बीच में अपना चलान जमा करवाइए। उसके बाद 2:30 बजे लिस्ट लगेगी, उस लिस्ट में अपना कोर्ट नंबर देखिए, उसके बाद आप कोर्ट में जाइए, जो भी कमरा नंबर होगा वहाँ पे आपको चलान भुगतना है, और यहाँ पर आपको सिर्फ मिनिमम से मिनिमम जो अमाउंट होगी चलान की, सिर्फ वो भुगतनी पड़ेगी। तो किसी भी दलाल जो बीच में होते हैं उनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट में आइए और ईज़िली अपना मिनिमम अमाउंट से चलान भुगतिए।